क्लास नाइन्थ लेक्चर थ्री पेज नंबर 91 का लास्ट पैसेज से हमने स्टार्ट करनी है रीडिंग। लेक्चर वन और टू से हम कदरे यास की रीडिंग कर रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। लेक्चर थ्री में भी यही चलेगी और साथ में हम बुक एक्सरसाइज करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो यहाँ तक हमने लेक्चर टू में पढ़ा था, फिर उन्होंने गुसल किया। नेक्स्ट है जी, गुसल भी बैठक में ही किया होगा बेटा। बैठक में नहीं, मस्जिद में। मस्जिद में, सलीम ने हैरत से कहा। खाना खुदा को गुसल खाना बना दिया। मैंने कहा भाई गांव के अक्सर लोग मस्जिद के गुसल खानों ही में नहाते हैं और बज़ाहिर अल्लाह ताला को इस पर कोई एतराज़ भी नहीं, यानी अल्लाह ताला को इस पर कोई जो है वो मसला नहीं है कि लोग चाहे मस्जिद के गुसल खानों में जाके नहा लें। देहाती घरों में हर काम के लिए अलहदा खाने कम ही होते हैं। सलीम कान पर हाथ रख के बोले खुदा इस देहाती ज़िंदगी से बचाए। अब्बा जान अच्छा हुआ आप फ़ौज में आ गए, वरना हम भी छोटे चौधरी की तरह मवेशियों के साथ सो रहे होते और मस्जिद में जाकर नहाते। लेकिन छोटा चौधरी तो इस ज़िंदगी से भी नाखुश ना था। मगर अब्बा जान बेचारे मास्टर जी का क्या बना? बना ये कि मास्टर जी ने गुसल के बाद नाश्ता किया और फिर रुखसत हो गए। नाश्ता? चौधरी के घर में कॉर्नफ्लैक थे? कॉर्नफ्लैक तो ना थे, अलबत्ता जो कुछ दाल दलिया था गरीब ने हाजिर कर दिया। यानी दाल दलिया से मुराद है कि जो भी खाने में अवेलेबल थी चीज़ वो उसने उसके सामने पेश कर दिया। अब्बा जान इसके बाद छोटा चौधरी तो स्कूल में मुंह दिखाने के काबिल ना रहा होगा। नहीं बेटा, स्कूल तो वो उसी मुँह से गया और शहरी लड़कों ने इससे कुछ मजाक भी किया। पेज नंबर 92 के ऊपर रीडिंग कर रही हूँ मैं। नहीं बेटा, स्कूल तो वो इसी मुँह से गया और शहरी लड़कों ने इससे कुछ मजाक भी किया, मगर वो मगन रहा, यानी वो अपने काम में अपने पढ़ाई में मसरूफ रहा। चौधरी की जगह मैं होता तो शर्म से मर जाता। मगर चौधरी तो जीता रहा, बल्कि खामोशी से पढ़ता भी रहा और आखिर मैट्रिक पास करके लाहौर कॉलेज में चला गया। वो कॉलेज भी गया? क्या उनके पास इतने पैसे थे? पैसे तो कम ही थे, मगर उन्होंने थोड़ी सी ज़मीन बेच दी। मगर थोड़ी सी ज़मीन से क्या बनता है? कॉलेज में रहकर खाना होता है, कुछ पहनना होता है। क्या वो मकई के भुट्टे खाता था? क्या वो तहमत बांधता था? बस गुजारा ही कर लेता था, गुजारा ही करता रहा या कुछ पढ़ भी गया? हाँ कुछ पढ़ भी गया। फिर जैसा कि उनका दस्तूर था, यानी रिवाज था उनके ख़ानदान में, उनकी फैमिली में, फ़ौज में भर्ती हो गया। फिर तो आप इसे जानते होंगे, क्या वो आपके मातहत काम करता है? मातहत यानी अंडर किसी के काम करना, किसी के नीचे रह के काम करना। मातहत तो नहीं, मगर जानता ज़रूर हूँ। तो अब्बा जान उसे बुलाइए ना, कभी हम छोटे चौधरी को देखेंगे। देखेंगे? वो कोई तमाशा तो नहीं सलीमिया? अब्बा जान बुलाइए ना छोटे चौधरी को, हम बिल्कुल नहीं हंसेंगे। सच, बिल्कुल सच। तो फिर आओ मिलो छोटे चौधरी से। और यह कहकर सलीम की तरफ बाजू फैला दिए। सलीम एक लम्हे के लिए मबहूत खड़ा मुझे देखता रहा। मबहूत यानी बिल्कुल बुत बन गया, बिल्कुल साकित हो गया। और फिर ये कहकर मुझसे लिपट गया, अब्बा जान आप? सलीम और अली बख्श दोनों की आंखें नम थीं और दोनों की आंखों में एक देहाती के लिए मोहब्बत की चमक थी। अयाज अपने असली लिबास में भी ऐसा मायूब नज़र नहीं आता था। मायूब, बुरा। अब आपको मश्क नज़र आ रही होगी इसी पेज के ऊपर। मश्क में सबसे पहले मुख्तसर जवाबात हैं, तो जो आपको कंपोज फॉर्म में मिलते हैं या आपको स्कूल में अवेलेबल हैं, आप आकर इनको ले जा सकते हैं। तो मैं आपके सामने रीड कर देती हूँ क्वेश्चन आंसर्स। सलीम को किस किस्म का बंगला रहने को मिला? इसका जवाब है, कर्नलों को रिहाइश के लिए उम्दा सी क्लास बंगले मिलते हैं। मुसन्निफ को ऐसा बंगला मिला जो अपनी क्लास में भी मुनफरिद था। ये वो बंगला, ये 2 एकड़ पर मुहित था और इमारत के अतराफ़ में वसी चमन था। सवाल नंबर 2 है, सलीम मियाँ का मशगला क्या था? जवाब, सलीम मियाँ का मशगला ये था कि वो दूसरे कर्नल जादों के साथ बैडमिंटन खेलते और सरे शाम ही दोस्तों के साथ टेलीविज़न के सामने जम जाते थे। सवाल नंबर 3, सलीम मियाँ अली बख्श पर क्यों बरहम हुए? सलीम की गैर मौजूदगी में उनका दोस्त अमजद मिलने आया। अली बख्श ने इसकी खातर खा खिदमत ना की, जिस पर सलीम मियाँ अली बख्श पर बरहम हुए कि अमजद समझेगा कि हम देहाती हैं और हमें आदाब नहीं आते। सवाल नंबर 4 है, देहाती लड़का पहले दिन स्कूल गया तो उसने कैसा लिबास पहन रखा था? देहाती लड़का जब पहले दिन शहर के स्कूल गया तो नंगे सर पर साफा बांध रखा था और बदन पर कुर्ता और तहमत था और पाँव में पोठोहारी जूता पहन रखा था। सवाल 5 है, मास्टर जी चौधरी के गांव क्यों गए थे? मास्टर जी एक शाम शिकार करते करते इत्तफाकन छोटे चौधरी के गांव जा निकले, रात हो रही थी, इसलिए उन्होंने वो रात छोटे चौधरी के यहाँ बसर करने का इरादा किया।
मास्टर जी को चाय कैसे पेश की गई? इन दिनों देहात में चाय सिर्फ मरीजों को ही दी जाती थी, इसलिए मकामी हकीम के घर से चाय हासिल तो कर ली गई, लेकिन चाय बनाना कोई नहीं जानता था, इसलिए मास्टर जी को इंतहाई बदजायका और ठंडी चाय पेश की गई। आखिरी सवाल है, देहाती लड़के की कहानी सुनकर सलीम मियाँ पर क्या असर हुआ? देहाती लड़के की कहानी सुनकर सलीम मियाँ पर यह असर हुआ कि उसकी आंखों में एक देहाती के लिए मजाक और नफरत की बजाय मोहब्बत की चमक थी।